हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हर्बल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया के जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। ठीक है, ये USA में कोई कंप्यूटर है वो इंडिया में कम्युनिकेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिकेट कर रहा है, कनाडा में कम्युनिकेट कर रहा है, चाइना में कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो वायर के साथ हो चाहे वायरलेसली हो, उसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या वेब और इंटरनेट सेम है? आंसर क्या है? नो। वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब भी कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है? जितने भी दुनिया में वेबसाइट्स हैं और उसमें वेब पेजेज हैं या वेबसाइट कह दे, उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? www. या वेब। ठीक है दोस्तों, हम जो टाइप करते हैं google.com, www.google.com, flipkart.com, ठीक है दोस्तों, facebook.com, ये क्या है? वेबसाइट्स हैं। इनकी कलेक्शन को, इनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वेबसाइट के कलेक्शन को। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर की। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्राउजर। ठीक है, और इंटरनेट क्या हो गया? नेटवर्क। और दो कंप्यूटर में नेटवर्किंग होनी चाहिए, दो कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे वेबसाइट खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल से फेसबुक को चला रहे हैं, हमारा नेटवर्क फेसबुक के सर्वर से बना, ठीक है, वो अमेरिका में है, यहाँ भी जो उनका सर्वर है वहाँ पे हमारा नेटवर्क बना, और जिसे हम इंटरनेट भी कह सकते हैं, नेटवर्किंग को, कंप्यूटर के नेटवर्क को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो हम वहाँ वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, हमें वेबसाइट पता चल रही है हमारे मोबाइल पे, हम उसके वेरियस वेरियस पेजेज को खोल के देख सकते हैं। जैसे हमारी खुद की आईडी होगी वो एक पेज हो गया, किसी और की आईडी देख रहे हैं वो दूसरा पेज हो गया, किसी और की देख रहे हैं वो तीसरा पेज। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी ब्राउजर की मदद से हम क्या कर रहे हैं? वेबसाइट को देख रहे हैं किसी दूसरे सर्वर पे। आजकल तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन चुकी हैं, जैसे फेसबुक की एंड्रॉयड वगैरह में, और नेट यानी कि कंप्यूटर वगैरह में हम अपना ब्राउजर ही यूज करते हैं। वेबसाइट का मतलब क्या है? ठीक है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ पब्लिकली असेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। ठीक है दोस्तों, जैसे बुक होती है, एक एक बुक को वेबसाइट कह दो, और उसमें जितने भी पेजेस हैं उनको हम वेब पेजेस कह दें, और वो पेजेस को मिला के, बुक के पेजेस को मिला के एक बुक बन जाती है। वैसे ही इंटरनेट पे एक वेबसाइट में जितने भी पेज पड़े हैं उनको मिलाकर एक वेबसाइट बन जाती है, और वेबसाइट्स को मिला के वेब बन जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट को कौन बना सकता है? कोई इंडिविजुअल बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, बिजनेस बना सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, कोई कंपनी बना सकती है, वो अपने जो भी उसने कोई कार्य करना है उसके हिसाब से, उसका जो भी कोई मोटिव है। ठीक है, तो टुगेदर ऑल पब्लिकली असेसिबल वेबसाइट क्या बनाती है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम देख चुके हैं। और इनका डोमेन नेम सेम होगा। डोमेन नेम क्या है? जैसे वेबसाइट है, फेसबुक का क्या नेम है? facebook.com। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब हम कोई फेसबुक खोलेंगे तो हम फेसबुक की वेबसाइट पे ही जाएंगे, ये नहीं कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे। फ्लिपकार्ट को खोलेंगे flipkart.com पे, ये इसका डोमेन नेम है कि उनको एक एड्रेस दिया हुआ है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हम अपने घर का एड्रेस अपने नाम से रखते हैं, तो उसी तरह वेबसाइट भी कंपनी जो है अपने नाम से रखती है, उनका डोमेन नेम होता है, हम उसी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो उसका नेम होगा। ठीक है, फेसबुक भरेंगे तो फेसबुक पे जाएंगे, याहू को सर्च करेंगे तो याहू पे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
आगे वेब पेज क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे बुक होती है, बुक को हम वेबसाइट कह, उसमें जो पेजेज हैं उनको हम वेब पेज कह सकते हैं, ठीक है। ये किस भाषा में लिखे हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो भी इंटरनेट जो ब्राउजर है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को ही समझ सकता है, और तभी हमें वो वेब पेज को दिखाता है खोल के, क्योंकि वो HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या है कि कोई प्रोसीजर, कोई रूल्स हमने बनाए हुए हैं, यदि वो उस चीज को फॉलो करेगा तो तभी वो कार्य करेगा। जैसे हम वेब पेज को या वेबसाइट को या तो एंड्रॉयड फोन से खोलें, ठीक है दोस्तों, या हम विंडो से खोल रहे हैं, ठीक है, एप्पल से खोल रहे हैं, तो देखो ये सॉफ्टवेयर सभी अलग-अलग हैं, ठीक है, पर वेबसाइट हमें सिमिलर दिख रही है क्योंकि उनके पीछे एक कॉमन रूल फॉलो हो रहा है, वो क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, HTML, ठीक है दोस्तों, HTML लैंग्वेज में लिखा होगा, तो जो ये सभी चीजें बनी हुई हैं, एंड्रॉयड है, ठीक है, एप्पल है या विंडो है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उनको इंटरनेट ब्राउजर बनाना पड़ेगा जो कि HTML लैंग्वेज को रीड कर सके। और जो वेब पेज बनाने हैं उनके लिए हमें लैंग्वेज HTML ही यूज करनी पड़ेगी, तभी वो जाके सर्च हो गए और हमें दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज का एक क्या होता है, URL। URL हो गया पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस, देखो डोमेन नेम हो गया वेबसाइट का एड्रेस, URL फर्दर, आजकल हम जमाना चल रहा है व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने का, हम लिंक को कॉपी करते हैं और उसे स्टेटस पे पेस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे पेस्ट कर देते हैं, वो क्या होता है, URL, उस वेब पेज का पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है दोस्तों। जब हम डायरेक्टली उसे क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे एक सिटी होता है, सिटी में नंबर ऑफ घर हैं, ठीक है, और हम उसमें एक घर हमारा है, फर्दर उसमें कमरे हैं, ठीक है, ये कमरों तक का एड्रेस आ गया। वेब पेज में क्या आ सकता है, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, जिसको टच करें आगे और पेज खुल जाए, ठीक है। मल्टीपल वेब पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट। वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ठीक है, ये गूगल क्रोम एंड्रॉयड का हो गया, ठीक है, क्रोम वैसे भी विंडो में भी यूज करते हैं, सफारी एप्पल का हो गया, ठीक है दोस्तों, ये सभी ब्राउजर्स हैं जो कि HTML, ठीक है, लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, जो कि HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा लग रहा है, HTTP, ये याद रखना है, HTTP, कोई भी वेबसाइट को हम खोल के देखते हैं तो उसके आगे HTTP लगा हुआ, ये प्रोटोकॉल होता है, ये सभी इंटरनेट के जो ये ब्राउजर होते हैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों, HTTP को। वेबसाइट और वेब पेज में अंतर क्या है, वेब पेज एक ग्रुप है नंबर ऑफ पेजेस का, वेब पेज सिंगल पेज हो गया, ठीक है दोस्तों। HTTP क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट की भाषा में यूज होता है वेब पेजेज को खोलने के लिए, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है दोस्तों। आजकल ये HTTP यूज होता है, और HTTPS, इसका एस का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आजकल हम जैसे नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इन पे काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, नेट बैंकिंग में तो ये मान के चलो कि हमारे पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ये एस लगा के खोलते हैं कि ये सिक्योर हो जाए, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी ऐड कर दी जाती है, जैसे हमारा लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके साथ कैप्चा हो गया, ठीक है दोस्तों, या कोई इमेज फाइल जा जाती है, पूछते हैं कि इनमें से ट्रैफिक सिग्नल कौन है, ठीक है, पिक्चर्स को क्लिक करो, ठीक है, जिसमें कार दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए है, जो कोई और
इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है दोस्तों, आपको ओटीपी भी भेजा ओटीपी भेजा जाता है मोबाइल पे लॉगिन करने के लिए, ये सभी चीज़ें यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, एचटीटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है, 80। ठीक है, एचटीटीपी यूज करता है 80, एचटीटीपीएस कौन सा यूज करता है, 443। ठीक है, इस पोर्ट को याद रखना है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि दिस कैन स्टॉप मलिशियस यूजर सच एज हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन एंड इज ऑफ्टन यूज्ड ऑन पेमेंट वेबसाइट्स। HTTPS कहाँ यूज होता है, पेमेंट वेबसाइट्स का, जो हमारा डाटा जो है लीक ना हो। डोमेन नेम क्या है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ये कंपनी का नेम होता है, जैसे इन्होंने google.com रख लिया, किसी ने facebook.com रख लिया, किसी कंट्री की वेबसाइट है वो अपना पीछे कंट्री का नेम रख लेगी। ठीक है दोस्तों, ये डोमेन नेम प्रोवाइड कौन करवाता है, ठीक है, google.com जैसे ये सिंगल नेम है, ये कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यूज डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड कराते हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, जो एड्रेस ऑनलाइन होता है, वेबसाइट का एड्रेस, वो नंबर्स में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर तो आईपी एड्रेस को समझता है, पर हम कंप्यूटर की भाषा भाषा को नहीं समझ सकते और इन नंबरों को याद नहीं रख सकते। ठीक है, अब गूगल खोलना हो आपको, ये बड़ा नंबर डालना पड़े, कितना कठिन है, फेसबुक का अलग, ठीक है, फ्लिपकार्ट का अलग, तो हम ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स इन वेबसाइट्स के रख लेते हैं जो हमें मदद करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंचने के लिए, पर उसके पीछे जो काम कर रहा होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, वो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करवा देती हैं। डोमेन नेम और यूजर नेम में क्या अंतर है, ठीक है, यूजर नेम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, सॉरी मैंने यूजर नेम बोल दिया था, डोमेन नेम एंड URL में क्या अंतर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका मतलब है, ये हमने देख ही लिया कि पर्टिकुलर वेब पेज का ये एड्रेस है। ठीक है, मैं डोमेन नेम क्या हो गया, डोमेन नेम उस पर्टिकुलर कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे HTTPS ये एक सिक्योर वेबसाइट है, उसमें हमने cloudflare.com, ये हो गया डोमेन नेम किसी कंपनी का। आगे जो ये एड्रेस है जहाँ की इंफॉर्मेशन है, जो से भी पेज पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसका ये सारा कंप्लीट क्या बन गया, URL, ये इतना क्या बन गया, ये डोमेन नेम वेबसाइट नेम। ठीक है, HTTPS क्या है, ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के अधीन ये वाली वेबसाइट खुल रही है, और जो ये है HTML में लिखा हुआ है, और इस ये प्रोटोकॉल पे कौन वर्क करेगा, हमारा वेब ब्राउजर की मदद से ही खोल सकते हैं, किसी और की मदद से नहीं। ठीक है दोस्तों,